दोस्तों जब भी बिजनेस करना हो आपको तो हमेशा कोशिश करिए कि जो भी बिजनेस आप चूज़ कर रहे हैं उसमें आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हर किसी के बस में नहीं होता कि इतना पैसा लगा सके और उस बिजनेस को कर सके। मान लीजिए किसी ने ज़्यादा पैसा लगा के बिजनेस कर भी लिया तो हो सकता है वो चला या नहीं चला, तो काफ़ी रिस्क रहता है। तो जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको छोटा बिजनेस पहले चुनना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसे ही छोटे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ, इसको अगर आप शुरू कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लागत भी इसमें ज़्यादा नहीं आती है, कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको एक मशीन की जरूरत रहेगी, तो आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए, आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी मशीन रहेगी, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कितनी कॉस्ट आएगी और मार्केट में कितने का जाएगा, कितना आपको प्रॉफिट होने वाला है। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको मशीन दिखा देता हूँ कि किस मशीन से हम कौन सा प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। मशीन आप मेरे पास देख सकते हैं, कुछ इस तरह की छोटी सी मशीन रहेगी। आप इस मशीन को कहीं भी सेट कर सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं जहां आपके पास थोड़ी सी जगह खाली हो, और यह मशीन बिजली के सिंगल फेस पे ही चल जाती है। आप इसका साइज़ देखिए और इसकी बनावट और इसकी क्वालिटी, परफेक्ट क्वालिटी के अंदर है ये मशीन। इसे प्रोडक्शन भी आप दमदार कर सकते हो। तो अभी मैं आपको इस मशीन को चला के दिखाता हूँ कि आखिर ये मशीन चलती कैसे है। यहाँ पर इसकी डाइयाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे आप इसमें डाइयाँ चेंज कर करके अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं हमने कुछ इस तरह की डाइयाँ लगाई ही हैं इसके अंदर, तो अभी इस डाइयों से क्या बनने वाला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उस सबसे पहले हमें आटे की तैयारी करनी पड़ेगी, आटा लेना पड़ेगा। हालांकि वो आटा बनाने में कौन कौन सी रेसिपी, कितना पानी और क्या क्या चीज़ें मिलाई जाएंगी, वो आप अगर जानना चाहते हैं तो जब आप यहाँ विजिट करोगे या कॉल करोगे तो आपको पूरा रेसिपी दे दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको आटा बनाना है तो आप हाथ से भी कुछ इस तरह का आटा बना सकते हैं। अगर आपको हाथ से बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप मशीन ले सकते हैं, जिसमें आटा बड़े प्रॉपर तरीके से आटा गूंथ दिया जाता है, आपका टाइम भी बचता है और आटा जो बनता है वो काफ़ी हाइजीनिक भी होता है। ये आटा हमने पहले से गूंथ के रखा है जिससे कि टाइम ज़्यादा ना लगे और कम टाइम के अंदर हम आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस के बारे में बता सकें। तो सबसे पहले हम मशीन को यहाँ से ऑपरेट करेंगे। इस मशीन में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैनल दिया गया है, इस पैनल में यहाँ जो रन लिखा है ये स्टार्ट वाला बटन है, इसको हम दबाएंगे तो मशीन स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ इस तरह का ये बटन देख रहे हैं आप, इससे हम स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमें मशीन तेज़ चलानी है तो तेज़ कर सकते हैं, स्लो चलानी है तो स्लो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम मशीन को स्टार्ट कर देते हैं, इसके लिए हमें ये बटन दबाना रहेगा। हमने ये बटन दबा दिया है मशीन का, तो देख सकते हैं आप मशीन चलने लगी है, स्टार्ट हो गई है। अभी स्पीड हमने अपने अकॉर्डिंग रखा है, आपको अपने हिसाब से स्पीड यहाँ पे सेट कर लेनी है। आपको लगता है मुझे तेज़ चलानी है तो तेज़ चला सकते हैं, नहीं तो स्लो चलाना है स्लो। तो जो आटा हमने रेडी किया है इसके ऊपर एक आप हल्का सा सूखा आटा डाल देंगे जिससे कि ऐसे रोलर के अंदर चिपके ना। तो रोलर के अंदर से देखिए ये कुछ इस तरह से यहाँ पर निकल रहा है और आपको हल्के हाथ से इसके नीचे लगा देना है। जब आप इसको लगा दोगे तो यहाँ पर डाइयों की हेल्प से ये कटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखिए एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे आप किसी मशीन से हाथ से करते हैं तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है, तो जो एक्स्ट्रा आटा है आप इस रोलर पे लगा देंगे तो ऑटोमेटिक ये ऊपर की तरफ चलता जाएगा और ये कटे हुए पीस हमें यहाँ पर मिलते जाएंगे। क्योंकि हम इस मशीन से बना रहे हैं, रोलर लगा हुआ है, इस रोलर में हम इसकी मोटाई थिकनेस अपने हिसाब से पतली या मोटी जैसी भी चाहें वैसी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा बन के निकल रहे हैं पीस, सारे के सारे पीस एक ही साइज़ में हैं, एक ही शेप में हैं, और क्योंकि ये डाइयों की सहायता से कट रहे हैं तो सारे के सारे एक शेप में हैं। अगर यही आप हाथ से करोगे तो कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, और कोई इनकी जो शेप है ना वो प्रॉपर नहीं आ पाएगी। तो इस मशीन से काम करने का यही फ़ायदा है कि सारे के सारे आपको एक ही शेप और साइज़ के अंदर मिल जाते हैं। अगर आपको थोड़ा हाइजीन का ख्याल रखना पड़ेगा, अभी आपको दिखाने के लिए हम ये हाथ से इसमें निकाल रहे हैं, लेकिन आप यहाँ नीचे कपड़े बिछा सकते हैं तो उसके ऊपर ये निकल के आते रहेंगे, सारे के सारे उस कपड़े पे आ जाएंगे। एक कपड़ा फुल हो गया तो आप दूसरा कपड़ा लगाएंगे, और दूसरा कपड़ा फुल हो गया तो आप तीसरा कपड़ा। तो इस मशीन से इस तरह से हम सबसे पहले इनकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग लगभग हमारी हो चुकी है क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं करना था, तो हमने उतना ही आटा डाला जितना इस मशीन से हम आपको निकाल के दिखा सकें। अब हमारा ये कट के हमने कपड़े पे लिया हुआ है, देख सकते हो इस तरह से हमने लगा लिया है जिससे कि ये एक दूसरे से चिपके ना। अब ये हमारा रेडी है, यहाँ पे हमारा ये इलेक्ट्रिक फ्रायर है, इसके अंदर हमने तेल को गर्म करके रखा हुआ है। अब इसमें एक एक करके हम सारी डाल देंगे और अभी देखिए कितना परफेक्टली ये बन के बाहर निकलने वाला है। आप हाथ से करोगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन मशीन की हेल्प से आप इजीली अच्छी क्वालिटी में बना सकते हो। सारे के सारे आप देख रहे हो फूले हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो फूला हुआ ना हो। जब भी आप कंपनी से कॉन्टैक्ट करेंगे तो इसकी रेसिपी आपको दे दी जाएगी
कि आखिर आप जब आप बनाओ तो ये सारे के सारे फूले कैसे निकलें। आप देख सकते हो परफेक्टली निकल रहे हैं, जो कि मार्केट में सेल करने के लिए, बेचने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर आप ये इलेक्ट्रिक कढ़ाई की जगह नॉर्मल कढ़ाई का यूज़ करते हो तो उसमें जो आग होती है ना वो कम या ज़्यादा लगती है, तो कभी जल जाते हैं, कभी कहीं कच्चे रह जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक कढ़ाई की विशेषता ये है कि इसमें आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो, और जिस टेम्परेचर पे आप ऑयल को गर्म करते हो उसी टेम्परेचर पे सारे के सारे पानी पूरी एक जैसे निकल के रेडी हो जाते हैं। इस इलेक्ट्रिक फ्रायर का एक फ़ायदा आपको ये भी है, जैसे कि आप नॉर्मल गैस वगैरह से इसको फ्राई करते हो तो गैस उतनी ज़्यादा लग जाती है, जो कि आपके जो इसकी कॉस्टिंग है ना उसको इनक्रीज़ कर देती है, बढ़ा देती है। और जो ये इलेक्ट्रिक फ्रायर है ये बिजली से चलता है दोस्तों, इसका बिल उतना ज़्यादा नहीं आता जितना आपका गैस खर्च हो जाता है, उससे आधे में ही आपका फ्राई कर देता है। तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है इस तरह का इलेक्ट्रिक फ्रायर लेना, तो आपका खर्चा भी कम होगा, कॉस्टिंग कम होगी, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी इसमें ज़्यादा हो जाएगा। और जब ये यहाँ से बन जाता है उसके बाद कुछ इस तरह से होता है, और उसके बाद मैं इधर भी आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये हमने बना के रखा हुआ है। जब ये बन जाता है तो फिर हम इसको ऐसे लेके आते हैं, एक जगह डाल देते हैं, पूरा ढेर लगा हुआ है, उसके बाद हम इनको पॉलीथीन के अंदर पीस के हिसाब से पैक कर देते हैं, जैसे कि पॉलीथीन आप मेरे हाथ में देख रहे हो। इस पॉलीथीन के अंदर आप छोटी पॉलीथीन या फिर बड़ी पॉलीथीन जैसे भी चाहो वैसी पॉलीथीन आप ले सकते हो, 50 पीस, 100 पीस, 200 पीस, जिस भी तरह का चाहो आप उस क्वांटिटी के अंदर ये पैकेट बना सकते हो, और ये मार्केट में जाने के लिए तैयार है। दोस्तों अभी हमने देख लिया कि पानीपुरी कैसे बन रहा है, अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि इसमें आपकी कॉस्ट कितना आएगी और प्रॉफिट आपको कितना होने वाला है। तो कॉस्ट की अगर बात करी जाए तो 100 पीस जैसे कि मैंने आपको पॉलीथीन दिखाई थी उस तरह के 100 पीस बनाने में आपका खर्चा लगभग 30 रुपये आएगा, सारा का सारा मशीन, बिजली और जो भी आप लेबर वगैरह लोगे उस सब का मिला के। और मार्केट में ये जाता है होलसेल में लगभग 45 रुपये का ये 100 पीस का पाउच, तो इस तरह से एक पाउच पे ऊपर आपको लगभग 15 रुपये का फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। और इस मशीन की सहायता से आप दिन भर में 50,000 पीस बना सकते हैं। अगर इनको आप 100-100 के पैकेट में या पाउच में पैक करोगे तो 500 पाउच आपके एक दिन के अंदर रेडी हो जाएंगे। 15 रुपये के हिसाब से 500 पाउच का लगभग 7,500 रुपये आपका एक दिन का प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों। और दोस्तों इसको सेल करना भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इसको आप होलसेल मार्केट में दे सकते हो, आपके आसपास बहुत सारे पानीपुरी वाले और भी कई सारे तरह के लोग होते हैं तो उनको आप सप्लाई दे करके अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हो। बेचने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप ये मशीन खरीदना चाहते हो तो नंबर हमने आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिया हुआ है, जब भी आप उस नंबर पे कॉल करोगे तो मशीन से रिलेटेड आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। आपको सिर्फ मशीन चाहिए, आटा गूंथने वाली मशीन भी चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्रायर भी चाहिए, तो वो सारा कुछ आपको एक ही जगह मिल जाता है। आज जो मशीन हम आपको दिखा रहे हैं ये है जैक्सन मशीन अहमदाबाद। और दोस्तों इस मशीन के प्राइस की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे रेंज जो है वो अलग अलग है सारी मशीनों की। यहाँ पे जो छोटी मशीन है उसका 42,000 रुपये है, इससे बड़ा लोगे तो थोड़ा 50,000, 70,000, इस तरह से प्राइस जो है ना बढ़ता जाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 42,000 वाला लेना है या फिर इससे ज़्यादा वाला सेटअप लेना है, तो आप नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं कि आपको कौन सा सेटअप चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक शानदार वीडियो देखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।